हेलो दोस्तों, एमटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वे ऑफ कन्वेयर बेल्ट के बारे में। दोस्तों, जब कन्वेयर बेल्ट पुली के ऊपर या ड्राम के ऊपर चलता है तो वो एकदम सेंट्रल पोजीशन से जाना चाहिए। अगर बेल्ट हम लोगों का पुली के ऊपर लेफ्ट या राइट साइड पे ज्यादा आ जाए, मतलब जो क्लियरेंस है क्लियरेंस दोनों साइड पे सेम ना हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्वे ऑफ कन्वेयर बेल्ट। स्वे ऑफ कन्वेयर बेल्ट बेसिकली एक माइनर सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको आपके मशीन को अच्छे तरह से जांच करना पड़ेगा, इसको रेगुलरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी इंडिकेट कर सकते हैं कुछ टाइम पे। दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट जब हम लोगों का ड्राम के ऊपर चलता है तो वो बेसिकली सेंटर लाइन पे चलना चाहिए, मतलब सेंटर लाइन से दोनों साइड पे इसका जो क्लियरेंस है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर क्लियरेंस दोनों साइड पे सेम ना हो, मतलब जो बेल्ट है वो लेफ्ट या राइट साइड पे ज्यादा चला जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्वे ऑफ कन्वेयर बेल्ट। स्वे ऑफ कन्वेयर बेल्ट का तो बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है, जैसे कि अगर बेल्ट का स्वे हो जाए तो इसमें जो मटेरियल कन्वेयर के ऊपर जा रहा है तो वो मटेरियल गिर सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बेल्ट ज्यादा लेफ्ट या राइट साइड पे आ जाए तो वो हम लोगों का जो चैनल या फ्रेम है तो फ्रेम को भी काट सकता है, और हम लोगों का जो बेल्ट है, बेल्ट का जो हम लोगों का प्लाई है, प्लाई को भी डैमेज कर देगा। तो इसीलिए स्वे ऑफ कन्वेयर बेल्ट बेसिकली एक प्रॉब्लम है, इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका जो एग्जैक्ट रीजन है, रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्वे ऑफ कन्वेयर बेल्ट का तो बहुत सारा रीजन होता है, लेकिन इसमें से कुछ बेसिक रीजन ही हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन जो आता है वो होता है कि अनइवन लोडिंग एंड वाइब्रेशन। आपका मशीन जब स्टार्ट होता है तो या फिर बंद होता है, उस टाइम पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और इस वाइब्रेशन के वजह से जो बेल्ट है वो लेफ्ट या राइट साइड पे स्वे हो सकता है, लेकिन इसका एक लिमिट होता है। आपको अच्छी तरह से जांच करना पड़ेगा कि ये लिमिट के अंदर हो रहा है कि ज्यादा, लिमिट से ज्यादा हो रहा है। तो अगर लिमिट के अंदर है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों साइड पे जो एडजस्टर होता है एडजस्टर को थोड़ा सा एडजस्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम आपको अच्छे तरह से मशीन को जांच करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। अनइवन लोडिंग का मतलब क्या है कि कन्वेयर का जो बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक सफिशियंट क्वांटिटी का मटेरियल हम लोग हमेशा कन्वे करते हैं, लेकिन अगर वो जो मटेरियल है वो अनइवन आ जाए, मतलब सपोज कि कभी बहुत ज्यादा मटेरियल आ रहा है, कभी बहुत कम मटेरियल आ रहा है, तो उस कंडीशन के भी स्वे ऑफ कन्वेयर बेल्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कि हम लोगों का जो कन्वेयर बेल्ट में जितना भी सारा पुली है, सॉरी पुली नहीं, आइडलर है, जितना भी आइडलर है, अगर आइडलर कहीं पे जाम हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ अलाइनिंग आइडलर। अगर सेल्फ अलाइनिंग आइडलर जो ये जाम हो गया कहीं पे, तो हम लोगों का जो बेल्ट है, बेल्ट उसका जो सेंट्रल लाइन से लेफ्ट एंड राइट साइड पे जा सकता है। तो सबसे पहले आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले जितना भी उसमें रोलर या फिर आइडलर है उसको चेक करना पड़ेगा कि ये सही तरह का काम कर रहा है या कि नहीं। अगर सही तरह से काम नहीं कर रहे, कहीं पे लॉक हो गया, अब बेसिकली लॉक हो सकता है कि जैसे कि कन्वेयर के ऊपर डस्ट या मटेरियल गिरने पर लोग ये सब जाम हो सकते हैं। तो अगर कोई आइडलर काम नहीं कर रहा या फिर सेल्फ अलाइनिंग जो आइडलर होता है उसका फ्रेम से कोई डिफेक्ट हो गया, तो उस टाइम उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बियरिंग्स। कन्वेयर जो पुली होता है, पुली के दोनों एंड पे बियरिंग्स दिया होता है, और बियरिंग के ऊपर पुमर ब्लॉक से फ्रेम के ऊपर लगा हुआ होता है। अगर ये जो बियरिंग है, बियरिंग बहुत ज्यादा दिन तक यूज हुआ है, वन आउट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों साइड पे जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस सेम नहीं होगा। क्लियरेंस अगर सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ड्रम है, ड्रम हिलेगा, ड्रम थोड़ा सा आगे चला जाएगा या फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा चलते चलते, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोगों का जो बेल्ट है, बेल्ट स्वे हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बियरिंग को अच्छी तरह से जांच करना पड़ेगा, अगर बियरिंग लगता है कि डैमेज हो गया या फिर वन आउट हो गया तो उस बियरिंग को चेंज कर देना होगा। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एडजस्टर। कन्वेयर का जो ड्रम होता है, ड्रम का एंड, दोनों एंड साइड पे हम लोगों का एडजस्टर लगा हुआ रहता है। एडजस्टर बेसिकली एक जैक नट होता है, इस जैक नट को दिया हुआ होता है जबकि कोई अगर छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए तो उस टाइम हम लोग इस एडजस्टर को एडजस्ट करके बेल्ट को लेफ्ट या राइट साइड पे ला सकते हैं। लेकिन अगर एडजस्ट का जो जैक नट दिया हुआ है, ये जैक नट का अगर थ्रेड डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपका जो बेल्ट है वो स्वे हो सकता है। या फिर जो पमर ब्लॉक दिया हुआ है, पमर ब्लॉक डैमेज हो गया, या फिर कहीं पे वेल्डिंग लगा हुआ है, तो वेल्डिंग डैमेज होने पर भी कन्वेयर बेल्ट का स्वे हो सकता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बेंडिंग ऑफ चैनल या फिर फ्रेम। ये बेसिकली बहुत ही रेयर केस होता है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो मशीन में बहुत
बड़ा मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है। उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जहाँ पे भी फ्रेम को ब्रेन हुआ है तो उस जगह पे हीट देके वेन को सीधा करना पड़ेगा, या फिर कुछ रेयर केसेस में वेन जो हम लोगों का सेक्शन है सेक्शन को काट के नया सेक्शन भी वेल्डिंग करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये हम लोगों का हो गया पुली, ये हो गया पुली और ये है पुली का शाफ्ट। पुली का शाफ्ट इधर हम लोगों का दोनों साइड पे बियरिंग से जुड़ा हुआ है और बियरिंग पमर ब्लॉक के ऊपर चैनल से लगा हुआ है। अभी देखिए, जैसे कि ये हम लोगों का पुली का सेंटर लाइन हो गया। सपोज इस जो ये जो पुली है, इस पुली का हम लोगों का फेस विथ है सपोज 1200 mm, और जो बेल्ट है बेल्ट का साइज हम लोगों का 1000 mm है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर लाइन से लेफ्ट साइड या राइट साइड पे हम लोगों का जो बेल्ट होगा, बेल्ट का डायमेंशन होना चाहिए 500 mm, और जो हम लोगों का फेस विथ है, फेस विथ होना चाहिए 600 mm। दैट मीन्स ये जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस होगा लेफ्ट साइड पे 100 mm और राइट साइड पे भी 100 mm होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि बेल्ट हम लोगों का सेंटर लाइन से लेफ्ट या राइट साइड पे ज़्यादा आ जाए, तो ये जो क्लियरेंस है ये दोनों साइड पे डिफरेंट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्वे ऑफ कन्वेयर बेल्ट।